हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज हैं हम धराली में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें उत्तरकाशी जाना था लेकिन लेट हो गए और हम रुक गए धराली। तो हम कल्प केदार में रुके हैं। तो कल्प केदार वाले सचिन भाई बता रहे हैं, सचिन पवार भाई, कि पहले पूरे धराली में कोई भी होटल नहीं खुला होता था, लेकिन इस बार इन्होंने अपना होटल खोलने का डिसीजन लिया है। तो अगर आप कभी सर्दियों में यहाँ पर आना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में हम सचिन भाई का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करके धराली में आके रुक सकते हो। एक बार तो मन में था ऊपर सात ताल जाने का, लेकिन सात ताल का इरादा हमने छोड़ दिया। भाई अगले हफ्ते केदारघंटा जाना है, ट्रैक क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे हरसिल, उसके बाद मुखवा जाएंगे, एक चक्कर भगोरी का लगाएंगे और फिर सीधे उत्तरकाशी भाग जाएंगे। ये है जी धराली, अच्छे अच्छे होटल हैं यहाँ पर, लेकिन सब बंद रहते हैं, सर्दियों में सभी बंद रहते हैं। तो अगर आप सर्दियों में आना चाहोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हरसिल आप रुक जाओ, हरसिल में कुछ होम स्टे वगैरह खुले होते हैं, और अभी अभी पता चला है कि धराली में भी एक ही होटल कल्प केदार खुला होता है। बाकी गंगोत्री में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है सर्दियों में। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से धराली से हरसिल, हरसिल है 3 किलोमीटर, और फिर उसके बाद जाएंगे मुखबा। मुखबा धराली एकदम आमने सामने है, 3 किलोमीटर उधर जाके 3 किलोमीटर दूसरी तरफ से आएंगे, वो सामने जो गांव दिख रहा है वो मुखबा है। अभी पीछे हरसिल कैंट एरिया में बहुत बहुत ज़बरदस्त ब्लैक आइस थी, लेकिन कैंट होने की वजह से मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। मैं कभी भी कैंट एरिया में, आर्मी के एरिया में रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे भागीरथी को पार करके हरसिल टाउन में, हरसिल गांव में एंट्री कर रहे हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं मुखबा, मुखबा में गंगा मंदिर देखेंगे और उसके बाद हरसिल के आसपास की दूसरी चीज़ें देखेंगे। सड़क बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है भाई सड़क पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप होने की वजह से बर्फ़ नहीं है, ब्लैक आइस नहीं है। अगर ब्लैक आइस होती तो फिर इतनी चढ़ाई पे बाइक नहीं चढ़ती। अच्छा, यहाँ पे पुल बना दिया इन्होंने, यहाँ पे बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी, यहाँ पे इन्होंने पुल बना दिया है। यह है जी मुखबा में गंगा जी का मंदिर। गंगोत्री में जो गंगा जी की पूजा होती है, तो दीपावली के अगले दिन, 2 दिन बाद भैया दूज वाले दिन, वो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं गंगोत्री वाले के। तो वहाँ से गंगा जी की मूर्ति को उठा के, गंगा जी की डोली को उठा के यहाँ पे मुखबा वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और पूरी सर्दियों अप्रैल तक, मई तक गंगा जी की पूजा यहीं पर होती है मुखबा में। तो अगर आप सर्दियों में गंगोत्री आने का प्लान कर रहे हो तो गंगोत्री जाके मंदिर देख सकते हो, बंद मंदिर मिलेगा, और यहाँ पे आके गंगा जी की पूजा कर सकते हो। ये मुखबा गांव जो है ना, ये पुराने ट्रेड रूट पे बसा हुआ है। ट्रेड रूट कौन सा? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, यानी कि टिहरी रियासत हुआ करती थी और तिब्बत। तो टिहरी और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड व्यापार हुआ करता था, उस रूट पर ये मुखबा बसा हुआ है। तो व्यापार हुआ करता था नेलांग घाटी के रास्ते, आज तो वो पूरी नेलांग घाटी बंद है, तिब्बत की बॉर्डर भी बंद है। तो यहाँ से ये सब लोग, ये सब घर जो है ना, सेठ लोगों के हैं, बड़े व्यापारियों के घर हैं। पुराने ज़माने में उन्होंने आलीशान घर बनाए, और आज ट्रेड बंद होने की वजह से, व्यापार बंद होने की वजह से सारे के सारे खंडर हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, सर्दियों में यहाँ के 90% से ज़्यादा लोग उत्तरकाशी में निचली जगहों पर चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तिब्बत के साथ ट्रेड बंद हो जाता है, चारधाम यात्रा बंद हो जाती है, तो खाने कमाने का कोई साधन होता नहीं। तो पुराने टाइम से ही गर्मियों में यहाँ पे रहते हैं लोग, सर्दियों में उत्तरकाशी गंगोरी डुंडा में चले जाते हैं। तो वो परंपरा आज तक भी चल रही है। तो ज़्यादातर गांव, पूरा गांव खाली हो चुका है और उत्तरकाशी गंगोरी के आसपास रह रहा है। हालांकि अब बहुत सारे लोग खेती करने लगे हैं और सेब वगैरह यहाँ पर खूब होता है, तो इसलिए सेब के चक्कर में कुछ लोग यहाँ पर रुकते हैं, रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग पलायन कर जाते हैं सर्दियों में। सब घरों में यहाँ पर ताले लगे हुए मिलेंगे। अच्छा, मैं कभी भगोरी गया नहीं हूँ, तो शायद यही रास्ता जा रहा है भगोरी, लिख रहा है
श्रेष्ठ गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। चल बाइक लेके चलते हैं, देखते कहाँ तक जाएगी। हाँ देखते हैं कहाँ तक जाएगी, मुझे पता नहीं है। रास्ता तो बाइक के लिए ठीक है, बाइकेबल रास्ता ये, बाइकेबल। बगोरी ग्राम में आपका स्वागत है। ये रहा बौद्ध मंदिर, लाल देवता मंदिर। यहाँ के भी ना सारे घर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं सभी में। ये लोग भी नीचे उत्तरकाशी चले जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि ये लोग मूलतः बेसिकली नेलोंग घाटी के हैं, नेलोंग जादोंग उधर के। तो 1962 की जब लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो उस एरिया के सभी गाँवों को खाली करा दिया था और उन निवासियों को फिर यहाँ पर बगोरी में बसाया गया था। कुछ को बगोरी में, कुछ को उत्तरकाशी के पास डुंडा में। तो ये उन्हीं लोगों के गांव है। जो लाल देवता का जो मंदिर था वो इनका अपना देवता है, और ये साल में एक बार उधर जाते हैं जादुंग में। जादुंग में मूल मंदिर जो है इनका जादुंग में है। ये पूरा गांव जो है इसी पगडंडी, इसी रोड के दोनों तरफ बसा हुआ है। एक लंबाई में फैला हुआ है ये गाँव, चौड़ाई में नहीं है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। ये लोग फिर मार्च अप्रैल में वापस आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग कहाँ चले गए? सारा गांव नीचे चले गए। कहाँ कहाँ पे? डुंडा, हाँ हाँ, उत्तरकाशी नीचे एक गांव है डुंडा। अच्छा, तो अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे? अभी यहाँ होगा 10-20 तक होगा। 10-20, क्योंकि तो आप लोग नहीं जाओगे? हम लोग जाएंगे, हमारे ये शेप के कटिंग हो रहे हैं ना आजकल। अच्छा, अभी भी हो रही है? हाँ, आजकल हो रही है। तब ये दवाई लगाना, फिर कटिंग वाला बुलाना। अब 2-3 दिन के बाद हम भी चले जाएंगे। इसके बाद चले जाए, फिर सेब का कोई काम नहीं है? तब नहीं है, फिर बाद में हम मार्च में आएंगे फिर। हाँ, अभी यह कटिंग चल रहा है ना, फिर दवाई लगाना है। हाँ, फिर यहाँ पर अब सब बच्चे लोग तो आते नहीं ऊपर, अब बूढ़ी बुढ़े हैं, ही मेरे पास काम के लिए आने पड़ते हैं। हाँ, तो फिर उधर नहीं जाना होता नेलोंग? नेलोंग तो अभी कहाँ जाएगा, अब तो बहुत बर्फ नहीं, गर्मी में, गर्मी में जाते हैं हम लोग यहाँ। जब ये जून उसमें तो महीने में, अगस्त में जाते हैं। अगस्त में जाते हैं ना पूजा पाठ के लिए? पूजा पाठ वैसे नहीं जाते, वैसे नहीं। तो वहाँ पे भी आपके घर होंगे? घर है वहाँ पे। अब सारे फौजी वाले तोड़ ताड़ के बराबर कर, सब टूट गए, सब टूट गए। हाँ, जाते थे नहीं। हाँ, अब यहाँ पे है, पर एक दुकान आते जाते हैं आप, जैसे ये बगीचे के काम है ना हमारा। हाँ, बस उसी में बैठा है हम लोग। आप लोग कहाँ से हो? देहरादून से। अच्छा, चलो ठीक है। आजकल देख दो यहाँ पर ऐसे बड़ा बगल काम से। तो जी ये कहानी है बगोरी की, जैसी हमने आपको बताई थी और जैसी यहाँ की लोकल महिला ने बताई है। ये कहानी है, थोड़ी सी दुख भरी है भाई। देखो लद्दाख में तिब्बत बॉर्डर तक, चीन बॉर्डर तक सभी लोग रहते हैं, लोकल लोग। हिमाचल में स्पीति में, किन्नौर में सभी लोग रहते हैं। उत्तराखंड में भी आप धारचूला की तरफ चले जाओ, मेलम की तरफ चले जाओ, वहाँ पे भी बॉर्डर तक लास्ट तक गांव बसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नेलोंग घाटी के सारे गांवों को खाली कर दिया, हजारों वर्ग किलोमीटर का एरिया बिल्कुल खाली कर दिया 1962 के बाद। ये लोकल लोग भी अपने ही गाँवों में, नेलोंग घाटी के अपने ही गाँवों में जाने, साल में केवल एक दिन की परमिशन मिलती है, अगस्त के महीने में भादो 20 को शायद परमिशन मिलती है इनके देवता की पूजा के लिए। बाकी नहीं जा सकते लोकल लोग भी नहीं, टूरिस्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है, चीन के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है। लद्दाख में डिस्प्यूट है, लेकिन लद्दाख में तो लास्ट तक एकदम फ्रंट लाइन तक, बॉर्डर तक लोग रह रहे हैं और हर जगह लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को अलाउ कर देना चाहिए। और जैसा कि इन महिला ने बताया कि ये महिला भी, इनका परिवार भी और कुछ 8-10 परिवार और भी हैं, वो केवल इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें सेब की खेत, सेब पे कुछ काम करना है।
तो ये अच्छी बात है कि सेब की वजह से लोग यहाँ पे, गांव वाले यहाँ पे रुकना शुरू हो रहे हैं, भले ही थोड़ी सी गिनती में अभी रुक रहे हो, आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग रुकेंगे और फिर धीरे धीरे अगर टूरिज्म बढ़ेगा, सर्दियों में यहाँ पे टूरिज्म एकदम जीरो हो जाता है, थोड़ा बहुत टूरिज्म हरसिल के नाम से चलता है लेकिन उसे भी जीरो ही मान सकते हैं। तो अगर सर्दियों में यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा तो कुछ होम स्टे वगैरह हैं यहाँ पर, अभी बंद है सभी, तो वे भी फिर खुलना शुरू हो जाएंगे। हम पहुंच गए हैं जी गंगनानी, और हमने पिछली बार वादा किया था, मतलब अभी कल पिछली वीडियो में वादा किया था कि गंगनानी में हॉट वाटर का स्प्रिंग है, वो आपको दिखाएंगे, तो चलो देखते हैं। चलो भाई हर्षित पहले तू जा, अरे कपड़े उतार देना सारा, नहा ले, तुझे 4 दिन हो गए नहाए हुए, चल जा तो सही एक बार, पहले देख कितना गर्म पानी है, मुझे बता, हो सकता है मेरा मूड बन जाए। हैं ठीक है नहाने लायक है, चल तो चल नहाते हैं। पानी है ठीक ठाक गर्म है, उतना गर्म पानी नहीं है जितना पिछली बार था, पहले हम आए थे गर्मियों में, अभी भी सोर्स से तो बहुत गर्म पानी आ रहा है, 60-65 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन कुंड में आने के बाद क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना, मतलब कितनी ठंड है ना कि वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो रहा है, 40 डिग्री के आसपास है कुंड में टेम्परेचर। तो पिछली बार जब हम गर्मियों में आए थे तो भयंकर गर्म पानी था और उसमें हमें उतरने में ही आधा घंटा लग गया था। ट्रक में जेसीबी को लोड करके कहीं दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक पुल है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, पुल की कैपेसिटी कम है, तो इसलिए जेसीबी को ट्रक से पहले अनलोड किया, फिर दोनों अलग अलग पुल पार किए ट्रक ने और जेसीबी ने, और फिर ट्रक पे दोबारा से लोड हो गए। तो जी हम आ गए हैं उत्तरकाशी अपने उसी होटल शिवानंदा में, 400 रुपये का कमरा मिल गया है, और सुबह उठ के यहाँ से फिर देहरादून विकास नगर के लिए चलेंगे। तो कहना ये था कि आज मज़ा आ गया, गंगोत्री की ट्रिप हमारी पूरी होगी, विंटर गंगोत्री। कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो यही कहेगा, इसके अलावा कुछ और बोलता ही नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। खुजली खुजली सी महसूस हो रही है, मैं इस कमीने ने गलीज से कह रहा था भाई गंगनानी में नहा ले रहे यार, थोड़ी सी खुजली खत्म हो जाएगी, ये नहीं नहाना मुझे, नहीं नहाना है, इसे 4 दिन हो गए। चलो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और अगली वीडियो का अगले एपिसोड का आप इंतजार करना, अगले चलेंगे विकास नगर, एक नए रास्ते से आपको मैं विकास नगर लेके चलूंगा, जो रास्ता आपने कभी नहीं देखा होगा, हमने भी कभी नहीं देखा है, तो एक नए रास्ते से चलेंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, राम राम, राम राम।